हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, कल हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, 11 करेंगे, 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं शो दैट ईच सिस्टम ऑफ द गिवन इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हमने इक्वेशन दे रखे 2x - 3y इक्वल्स टू 5। दे रखे 2x - 3y - 5 इक्वल्स टू 0। ए वन कितना आएगा 2, बी वन आ गया माइनस के 3, सी वन माइनस के 5। नेक्स्ट इक्वेशन है 6x माइनस 9y इक्वल्स टू 15। 6x माइनस के 9y माइनस का 15 इक्वल्स टू 0। ए टू कितना आएगा 6, बी टू माइनस के 9 और सी टू माइनस के 15। ए वन अपन ए टू, टू अपन 6, 1/3, b1/b2 माइनस के 3/-9, 1/3, c1/c2 माइनस के 5/-15, 1/3। तीनों आपस में इक्वल है। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। देयरफॉर दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्लियर? यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन याद है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इनफाइनाइट में तीनों इक्वल होते हैं, और नो में क्या होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। हमें शो करना था कि जो इक्वेशन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमने a1 b1 c1 निकाला, a2 b2 c2 निकाला। a1/a2 करा 1/3, b1/b2 1/3, c1/c2 1/3। तीनों आपस में इक्वल है, देयरफॉर दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्लियर? करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इक्वेशन में मैंने प्रेजेंट करना है कि जो इक्वेशन गिवन है वो उसकी किसकी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन की। नेक्स्ट इक्वेशन में दे रखा है 6x + 5y इक्वल्स टू 11। क्या देगा 6x + 5y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। a1 की वैल्यू कितनी है 6, b1 5, c1 माइनस 11। 6x + 5y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। a1 6 है, b1 5 और c1 कितना है माइनस 11। नेक्स्ट इक्वेशन है 9x + 15/2y इक्वल्स टू 21। मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन में कुछ नहीं छोड़ोगे आप, क्या करें इसका एलसीएम ले लो। कितना एलसीएम आएगा 2 एलसीएम आएगा। यानी 2 एलसीएम 9x + 15y इक्वल्स टू 21, सॉरी 18x। देखा 18x + 15y इक्वल्स टू 42। 1 और 2 का एलसीएम 2 है, 1 2 2 नाइन से 18x, 2 1 2 1 5 15, ये आंसर आ जाएगा 18x + 15y माइनस 42 इक्वल्स टू 0। a2 कितना आ गया 18, b2 15 और c2 कितना आ गया माइनस 42। नो सॉल्यूशन में क्या होता है a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू कितना होता है c1/c2। a1/a2 6/18, 1/3, b1/b2 3/15, 1/3, c1/c2 कितना है -11/-42, 11/42। a1/a2 इक्वल है b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। देयरफॉर इक्वेशन रिप्रेजेंट नो सॉल्यूशन। क्लियर? इक्वेशन किसके रिप्रेजेंट कर रही है, नो सॉल्यूशन। देयरफॉर दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट नो सॉल्यूशन। भाई a1 की वैल्यू 6 थी, b1 5 था, c1 -11 था। नेक्स्ट बैच से भी हमने a1 18, a2 18, b2 15 और c2 -42। a1/a2 निकाला 6/18, 1/3, b1/b2 5/15 कितना आ गया 1/3, c
सी वन अपॉन सी टू माइनस के इलेवन अपॉन माइनस के 42, ये दोनों तो इक्वल है बट सी वन अपॉन सी टू इज नॉट इक्वल, देयरफॉर दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट नो सॉल्यूशन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 सेम है। आई एम डूइंग द क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 यू हैव टू डू योरसेल्फ। ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है आपको, एंड तक करा दूंगा इन क्वेश्चन सारे। इन होमवर्क यू हैव टू डू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द सिस्टम इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। पहली इक्वेशन है kx plus 2y इक्वल्स टू 5, क्या आ जाएगा के एक्स प्लस टू वाई माइनस के 5 इक्वल्स टू 0। ए वन कितना आ गया के, बी वन 2, सी वन माइनस 1। नेक्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 10, 3x माइनस 4y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ए टू आ गया 3, बी टू माइनस 4, सी टू माइनस 10। इसमें कह रहा है कि इट हैज यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, गिवन है हमें यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन में कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 कितना है k अपॉन 3, नॉट इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 4। दूसरा फोर के कितना आ गया, के इज नॉट इक्वल टू माइनस 3 बाई 2। ये आंसर आ गया, के इज नॉट इक्वल टू माइनस 3 बाई 2। इक्वेशन इज नो सॉल्यूशन, कंडीशन होती है ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। नो सॉल्यूशन में ए वन अपॉन ए टू तो इक्वल होता है बी वन अपॉन बी टू के, बट नॉट इक्वल टू कितना होता है सी वन अपॉन सी टू। ए वन कितना है के, ए टू 3 इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 4, नॉट इक्वल टू माइनस के 5 अपॉन माइनस 10। इसमें इसी से आंसर आ जाएगा पहले दो कंडीशन से, उसको हम लिखेंगे के अपॉन 3 इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 4, 2 टू द 4 के कितना आ गया माइनस के 3। क्लियर? फर्स्ट इक्वेशन से ए वन आ गया, बी वन आ गया, सी वन आ गया। सेकेंड इक्वेशन से ए टू, बी टू और सी टू आ गया। अब उसने बोला कि के की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन है नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन अप्लाई करी, ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। ए वन कितना था के, ए टू कितना है 3, नॉट इक्वल टू बी वन कितना है 2, बी टू कितना है माइनस 4, टू टू द 4 के इज नॉट इक्वल टू माइनस 3 बाई 2। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में कह रहा है इक्वेशन है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कंडीशन होती है ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। के अपॉन 3, के अपॉन 3, 2 अपॉन माइनस 4 नॉट इक्वल टू माइनस 5 अपॉन माइनस 10। पहले दो को इक्वल रख लिया, के अपॉन 3 इक्वल्स टू 2 अपॉन माइनस 4, 2 से 2 कटा, 2 टू से 4, के कितना आ गया माइनस के 3 बाई 2 आंसर आ गया। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 13, 14 यू हैव टू डू योरसेल्फ। 15 करते हैं अभी। तीन ही कंडीशन है, तीन कंडीशन में पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। यूनिक सॉल्यूशन में ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू दे रखी हो तो के की वैल्यू निकल पाएगा, प्रूफ करवाएगा तो हमें प्रूफ करना होता है ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन। नो सॉल्यूशन में दे रखा है तो के की वैल्यू निकालनी, वैल्यू पुट करी, इक्वल टू पुट करके के का आंसर है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 में उसने कंडीशन दे रखी है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अगर पहले से के की वैल्यू आ जाएगी पहले दो से तो तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 है, तो 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 आ गया। a1 कितना है 2, b1 3 और c1 माइनस के 1। a1 b1 c1 आ गया, इधर रखें नेक्स्ट में k माइनस 1 इंटू x प्लस k प्लस 2 इंटू y इक्वल्स टू 3k। इसे इधर ले, यह आ जाएगा k माइनस 1 इंटू x
प्लस का के प्लस टू इन टू वाई माइनस का थ्री के इक्वल टू जीरो। तो ए टू कितना हो गया ए माइनस वन, बी टू के प्लस टू, सी टू माइनस के थ्री। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक सिंपल ए वन बी वन सी वन ही तो निकाला है। इसमें कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर ईच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में क्या होता है तीनों आपस में इक्वल होते हैं। इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्या आएगा ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू, टू अपॉन के माइनस वन, थ्री अपॉन के प्लस टू माइनस का, सेवन अपॉन माइनस का। इन दोनों को इक्वल रख लो, चाहे इसको रख लो इक्वल चाहे इसको रख लो, एक ही आंसर आएगा। टू अपॉन के माइनस वन इक्वल्स टू थ्री अपॉन के प्लस टू, क्या जाएगा थ्री के माइनस का थ्री, टू के प्लस फोर, थ्री के माइनस टू के, फोर प्लस थ्री के कितना है सेवन। इजी ए वन बी वन सी वन था, ए टू बी टू और सी टू था। इनफाइनाइट में तीनों इक्वल रख लिए, पहले दो को इक्वल रखा के की वैल्यू में आंसर आ गया के की वैल्यू। तो कन्फ्यूजन नहीं यहाँ तक, तो इससे आपके क्वेश्चन नंबर 20 तक हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में 21 से स्टार्ट करेंगे। आपके क्वेश्चन नंबर 20 तक हो जाएंगे इससे। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।